650 हमने आपको शक्कर के दे दिया और ये आपका आया हुआ सामान आ गया है। अब हमको जितेंद्र जी से ये कहना है कि साहब ये आपके डोनेट कार्ड के तरफ से दूसरी बार, पहली बार फल आया तो हमने जो केले लिए थे 10-12 तरबूज, बाकी मैंने सब वापस कर दिया था क्योंकि बंदर मौसमी है और ये जूस नहीं पीता है ना, वो खाता है, वापस किया कि आप उसके जगह केले भेजिए। तो जो केले आप फल वालों से कहिएगा भाई 1000 रुपये का सामान वापस किया है उसका केले दे दें। और राम जी अग्रवाल हमारे जो हैं उनके यहाँ से ये 10 ड्रम आया है और ये जो बिल में लिखा है वो सामान आ गया है। तो आप उन्हीं के यहाँ का माल ही ढोया करते हैं खाली? नहीं नहीं, अच्छा, और मतलब भाड़े पे लेके आए? अच्छा अच्छा, मतलब फैक्ट्री में रही थी उनकी। अच्छा अच्छा, तो अब सीधे लखनऊ? जी हो जी। रास्ते में कोई सामान मान कोई मिलेगा तो बैठा दीजिए? कोई मिला तो ठीक, नहीं बैठाते नहीं आदमी ज्यादा कोरोना के टाइम में। अच्छा, कम से कम हाँ कोई कहा बाबा जी आना, कोई पता तो हो नहीं है। हाँ भैया, ये एक मिनट, एक जरा मूंगफली के दाने उठा दो यार, जल्दी उठाओ, एक एक दाने की कीमत है यहाँ पर, रुक जाओ हम झोला दे रहे हैं, एक एक दाने की कीमत है। खैर अग्रवाल साहब तो बहुत धर्मात्मा और बहुत ईमानदार आदमी हैं, है ना। अब हम गए थे बम्बई, अब ये कंपनी वाले माँ चरस बोए रहे और माँ चिल्लाने लगे फोन पर, कहेंदा जी वो चरस बोए हैं, हमारा माल लग चुका। हमने कहा महाराज कंपनी वाले हमसे बतावें तब तो, उन्होंने तो बताया नहीं हमको। तो खैर अब आ गया, तो अब यही हम चाहते हैं थोड़ा थोड़ा सामान आवे तो खर्चा हो जाए। वो अनिल बेकरी वालों की डबल रोटियाँ रखी हैं सब, अब लोग भेजते हैं, अभी हमारे ड्रम से अभी इतने ही ड्रम में हम कैसे सामान था, और सामान आता तमाम सामान जो है वो बाबा भैया जा रहे हैं। अच्छा ठीक भैया जी, तो आगे से निकल जाओ भैया, आगे रास्ता है। आगे आगे सुनिए, आगे रास्ता है। हाँ हाँ, जाए मुड़ जाइए, बस बस आराम से। हाँ ठीक है, एक काम ना करो, यह लगे ड्रम वाले के बुला नहीं लीन जाए। हाँ कहो भैया 10 ड्रम के कुंडा लगाना है, 5 मिनट के लिए चले चलो, बाबा जी बुलाइन है, और जैसे कहें दुकान में कोई नहीं तो कहो अच्छा संध्या के जब आप कै बजे आई हो भाई, इधर हवे दरवाजे से जात है तो जब इसमें कुंडा लग जाये तब एक धुलाई के कीन जाये। अच्छा धुल चला जाये है, मतलब कब्जा लग गया पूरा अंदर तक, हाथ जाये नहीं तो इसे हार ना दे। हाँ हाँ हाँ, और अगर ये पहनाए वाला कहीं बन जाए, पहनाए वाला क्या इसे ऐसे काट के गरमा दिए और बस माल भरो इसका रख दे, वैसे न कुंडी न कुंडा, समझा था कि नहीं? समझ गया। जैसे ड्रम वाले कहीं है इसका जो है काट यहाँ से, हाँ। और काट के गरमाए के उसका मुंह थोड़ा फैला दें तो यह ढक्कन बन जाए, वही के ऊपर आदमी पहना दे काम खत्म है, या जैसा मजबूत बता में। हाँ ठीक है जाओ, पहले दुकान है अस्पताल चौराहे पर। हाँ अस्पताल चौराहे से जब आप नुमाइश की ओर बढ़ोगे चौराहे से 2 कदम तो हाँ ये डिब्बी डिब्बा और ड्रम की दुकानें हैं 2। पहले दुकानदार वाले का नाम क्या है? नाम नहीं मालूम सर, ऐसा बता दें को हमका जाना। ठीक है सब, काम 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 ससरा, फोटो कापी करा लिया भैया क्या आया है इसमें, ऊपर लिखा है मंकी मैन साधु शर्मा जी, तो हमने कहा भैया साधु शर्मा मंकी मैन यहाँ कोई नहीं है रायबरेली, कभी इनका पता जो है इसी पर अग्रवाल साहब का लिखा हुआ है जो उन्होंने भेजा है, श्याम साधु नंबर मोबाइल नंबर इतना दुर्गा मार्केट के पीछे कचहरी रोड रायबरेली। ठीक है साहब, बहुत बहुत जो डोनेशन देने वाले हैं उनको धन्यवाद, और उनको पैसा दे दिया है अग्रवाल साहब मैंने 650 पैकेट के, और बस इसी तरह कहेंगे भैया थोड़ा सामान दीजिए, और दाढ़ी वूढ़ी के लिए जो है उसके लिए भी बातचीत करेंगे तो मुहैया करें। देखिए अब जब
बार बार कंप्लेन नहीं चलाना है, लेकिन उसमें बदनामी आ जाती है ना। जिंदगी भर तो हमने अपनी जिंदगी को ही खाक में मिला दिया, फूटी कौड़ी ना गवर्नमेंट से दिया, किसी से दिया ही नहीं, पूरी जिंदगी तबाह किया। जब से मैं यूट्यूब पर आया हूँ तब से लोग मदद में आ गए, नहीं जब यूट्यूब पर मैं नहीं था, यूट्यूब जानता भी नहीं था, उसके पहले कैसे हमारी जिंदगी बीती है, क्या क्या हमने झेला है, कितनी लंबी कहानी है। तो यही सारी चीज़ें, यही सब रिकॉर्ड बन जाती है। हम हर बात का रिकॉर्ड बनाएंगे, लोग कहेंगे साहब वो फालतू, हमका आपको फालतू है लगता है ना, जितने ज़्यादा रिकॉर्ड होगा उतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, कदम कदम की काम होना चाहिए। जैसे कि अब अभी देखिए रोटी बना के रखा है, देखो चल के दिखाई दे रहे हैं, अब एक घंटे के बाद निकलना है इसी लेबर को लेके। ये देखो ये गेहूँ है, उबला हुआ, ये उबला हुआ गेहूँ, तो क्योंकि लेबर आया तो हमने उबलवा दिया इसी बर्तन के अंदर। ये सब चूल्हा आप देख रहे हैं, है ना, और ये रोटी है अंदर जो रोटी रखी है वो, और ये थोड़ी रोटी बनवाते हैं कि उबला हुआ गेहूँ ज़्यादा खाएं, छोटे छोटे बालाजी लोगों के लिए रोटी बनवा लेते हैं, जब साधन है तो भैया बनाओ, और जब छुट्टी होती है तो ये गायब वो गायब लेबर गायब, तो फिर दिक्कत आती है, फिर तो कभी सूखा गेहूँ लेके जाएंगे कभी कुछ करेंगे। हमको सबसे बड़ी चिंता है बंदरों की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उनको खाने के लिए कहीं है नहीं, भूख से मर रहे हैं सब, सारे पेड़ काट डाले गए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि रेलवे लाइन के किनारे जहाँ जहाँ सड़कें हैं रेलवे लाइन के किनारे पीपल बरगद गूलर का पेड़ लगा, वो सड़क में डाल गिर जाएगा और ऐसा हो जाएगा, अपने मरने की तुमको चिंता है और बंदर भूख से मर रहा है चिंता नहीं है, है? उसका अंजाम क्या होगा मालूम है, यूक्रेन बन जाओगे, समझ गए, यूक्रेन वाले हालात हो जाएंगे तुम्हारे साथ। जब तक तुम दूसरे की तकलीफ नहीं समझोगे तुम इंसान हो नहीं, है? और कोई कहता हम नेता हैं, कोई कहता हम बाबा हैं, निपोरे हैं, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये पावर है, सबका पावर मौत की ट्रेन के सामने ख़त्म हो जाता है, और उसको आना है, निश्चित आना है। इसी में जो सामान आया है, एक दो कुंटल गेहूँ है और एक कुंटल मूँगफली के दाना है 100 किलो, और चना 100 किलो एक कुंटल, अब इसी से खर्च हुआ करेगा। हम अपने हिसाब से जो हमसे लोग जुड़े हैं वो लोग, अब डोनेट कार्ड वाले हमेशा थोड़े हिसाब से, अरे एक बार किया एक मदद किया फिर उसके बाद दिखाएंगे मांगे, हमका नहीं भैया बार बार नहीं डोनेट, और डोनेट कार्ड पता ही क्या हमारे यहाँ, अरे भाई जो आप कार्ड को देते हो जहाँ भी देते हो उसको आप पहले डायरेक्ट पता लगाओ कि आदमी कहता क्या है। आज भी उनका देखिए फोन आया, अरे नाम भूल जाते हैं रोजे तो फोन आता है, तो मैंने उनसे कहा भी, हमने कहा भैया ऐसा है कि आप क्या किसका नाम बताए थे सब याद कर जाता है, एक आदमी हजारों सतरे लाखों काम, तो हाँ उनका कोई तो था कौन मदान, बड़े नाम भी बड़े विचित्र होते हैं, तो मदान जी ने हाँ यादव, हाँ हाँ यादव जी का नाम मोबाइल में है, जग ऐसे है कुछ जस नाम है, बड़े धर्मात्मा आदमी हैं बेचारे, कहें बाबा जी पिताजी के नाम से बीमार हैं थोड़ा वो कर दीजिएगा, हमका ठीक, और अकाउंट में आपके हम पैसे भेज रहे हैं, हमने कहा अभी नहीं पहले काम हो जाए तब, काम हो जाने दो और उसके बाद थोड़ा सा भेजो भाई। इसी तरह कई लोगों का सामान हुआ तो हम कहे सबसे कि हाँ हाँ भेजे रहो क्या जरूरत, ये भगवान न करे कि दान का पैसा एक मुँह में जाए, समझ गए, तभी आज ये इतनी बरकत है कि इतने लोग विश्वास करते हैं। तो यही है, इसमें कौन सा अनाज लगा है, गेहूँ है, हाँ उस दिन जो गेहूँ खरीद के लाए हैं, बड़ा स्टॉक रखना पड़ता है ना, बड़ी जिम्मेदारी है तो भुवन सिंह
खाली साथ में लगा होता बस बात खत्म। वो लिए इतनी बड़ी मोबाइल अपना वीडियो बना रहे हैं, अपना अपना मेरा तो जाओ करो, कौन सबको समझाए। और जो काम करने वाले हैं वो सब लंदन के छोर में हैं, सब लंदन के छोर में हैं। चलो जो कुछ है जितना होता है उतना मैं झेल रहा हूँ। यही मैं हर बार की वीडियो को भाई देखो, अभी लेबर आएगा सब लादेगा फांदेगा, फिर बंदरों के बीच में पहुँचेंगे, उन्हीं को देखो सीखो समझो।